नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आप देख रहे हैं कृष्णा को कैसे नहा रही हूँ। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हो तो आप ऐसे ही रोज़ उनका स्नान कराएं, उन्हें तुलसी डाल के जल में स्नान कराना चाहिए। ये देखिए, मेरे लल्ला स्नान कर लिए हैं। अब मैं उनका एकदम सॉफ्ट कपड़े से देखिए कैसे देह को पोंछ दूँगी। देखिए अच्छे से, आप भी पोंछ के बढ़िया से सूखे कपड़े से उनको पूरा देह पोंछ के तब हम उनको क्या करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरे लल्ला तो वस्त्र पहन रहे हैं अभी। आप देखिए, ये देखिए, आप भी अपने घर में कृष्णा हो तो ऐसे ही उनको वस्त्र पहनाएं, रोज उनका वस्त्र चेंज करें। आप हर दिन कलर के हिसाब से भी पहना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दृश्य है मेरे कृष्णा का, कितना सुंदर दृश्य है। अब हम उनको ड्रेस पहना देंगे, फिर मैं करूँगी उनका थोड़ा ज्वेलरी से सिंगार। तो आप देखते रहिए। हाँ ये देखिए, अब भी देखिए एक और वस्त्र पहनेंगे, कितने सुंदर लग रहे। ठंड है इसलिए मैं उनको दो वस्त्र पहनाई हूँ। ये ड्रेस देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं उनको माला पहनाऊंगी। वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं उनको कान में पहनाऊंगी जो भी ज्वेलरी है, जो भी आपके पास हो, जो आपने लिया है उनके लिए श्रद्धा से। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना, तो आपके पास जो भी हो उससे आप कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लल्ला। किसी को नज़र ना लगे, किसी की भी नज़र इनको ना लगे। फूलों की माला पहने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कितना सुंदर, ये फूलों का माला आप भी बना सकते हैं। जिस दिन आपका जो फूल हो अपने ही पेड़ में, उसको तोड़ के आप माला बना सकते हैं। उनको बहुत पसंद है येलो, येलो कलर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने येलो फूलों का ही माला बनाई हूँ। तो आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।